राकेश टिकैत के चाचा जान वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ है। टिकैत ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए उन्हें चाचा जान कहा था और उन्हें BJP का एजेंट करार दिया था। इसके बाद से टिकैत पर BJP हमलावर हो गई है। अब राकेश टिकैत के बयान पर BJP ने करारा हमला बोला है। मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वही लैला मजनू करते रहते हैं। दरअसल UP में जैसे ही वैसे की एंट्री हुई है खेल बदल गया है। राकेश टिकैत ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि BJP के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी UP आ गए हैं। अगर ओवैसी BJP को गाली भी देंगे तब भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होगा क्योंकि BJP और ओवैसी एक ही टीम है। उनके इस बयान पर BJP नेता मोहसिन रजा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। उधर मोहसिन रजा का ये भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यूपी का जमकर विकास हुआ है और विकास को देखकर विपक्ष के लोग छटपटाए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आते, वो लैला मजनू का ही खेल खेलना चाहते हैं। वो अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान, अम्मी जान, इसी पर सियासत केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपको मुल्ला मुलायम का खिताब मिल जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई कह दे अब्बा जान तो कहेंगे कि नफरत की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद से यूपी के सियासी माहौल में अब्बा जान और चाचा जान तैर रहा है। दरअसल राकेश टिकैत की मंशा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम एकजुट होकर BJP के खिलाफ वोट करें। टिकैत को डर है कि मुस्लिम अगर ओवैसी को वोट देंगे तो इससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा जिससे उनका खेल खराब हो सकता है। यही वजह है कि टिकैत को ओवैसी खटक रहे हैं। वहीं AIMIM ने भी राकेश टिकैत पर पलटवार किया है। AIMIM ने कहा है कि राकेश टिकैत पहले अपने अंदर झांक कर देखे, कुल मिलाकर देखे तो टिकैत का एजेंडा साफ है कि इस बार यूपी में BJP के खिलाफ माहौल बनाना, लेकिन फिलहाल वो अपने मकसद में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।